हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। और मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रही हूँ कि अष्टमी पूजा और नवमी पूजा कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखो, सेम पूजा इनकी होती है, अष्टमी की भी और नवमी की। कन्या पूजन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले धूप दीप की तैयारी करेंगे और तिलक वगैरह अपना लगाएंगे मैया को, और ये मैं दिए प्रज्वलित करूँगी। अभी उसकी तैयारी कर रही हूँ कि दोस्त हमने ये दिए की तैयारी, घी वगैरह रख दिया है, और अब हम माता रानी को फूल समर्पित करेंगे। और अपना जो हमारा जवारे हैं, कला ये कलश है, सब पे अपना फूल समर्पित करने के बाद में दिया प्रज्वलित करेंगे। और ये हमारे जवारे हैं, तो बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कन्या पूजन, अष्टमी नवमी पूजन कैसे होता है। तो ये दिया हमने प्रज्वलित कर दिया है। धूप दीप पहले जलाने के बाद में हम तैयारी करेंगे कंडे की, क्योंकि उसी पे हम माता रानी का भोग हम चढ़ाएंगे। क्योंकि सीधा कहते हैं अग्नि पे अगर भोग लगता है तो वो सीधा मैया रानी तक पहुंचता है, माता रानी उसे स्वीकार करती है। और सबसे पहले दोस्तों ये अपना लौंग, और जैसा हमारा डेली का रूटीन था, लौंग का और बतासे का हम भोग लगाएंगे। अग्यारी पे हमने थोड़ा सा डाला है घी, क्योंकि उससे अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है, और कपूर की सहायता से मैंने ये अग्नि प्रज्वलित की है। तो ये बतासे हैं दोस्तों और लौंग का जोड़ा, वो जैसे हम डेली कर रहे थे वैसे ही हमें नवमी को भी मैया को पहले भोग लगाना है, उसके बाद में जो हमने और भोग लगाना है वो करना है। तो ये लौंग लिए हैं मैंने, थोड़ा सा हल्का सा घी में डिप करके, और फूल वाली लौंग होनी चाहिए दोस्तों। तो लौंग का और ये फतासे का सबसे पहले अपनी माता का हम रानी का भोग लगाएंगे। तो इसके बाद में दोस्तों अगर हो सकता है तो पान का पत्ता आप ज़रूर मैया को समर्पित करें। अगर आपके इजीली मिल जाता है तो आप पहले ही अपना शाम को ले आएँ और सुबह मैया का भोग उससे लगाएँ। तो इसमें हमने फतासा है, लौंग है, और अपना सुपारी भी आप ले सकते हो, मेरे पास सुपारी नहीं थी। ये फतासा है, लौंग, इलायची, तो ये हम पहले अपनी मैया को समर्पित करेंगे। उसके बाद में थोड़ी देर रखने के बाद में और अग्नि में ही इसको हम प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि अच्छे से आसानी से ये अपना हो जाएगा। और माता रानी के हाथ जोड़ेंगे कि माता रानी हमारा भोग स्वीकार करो और पूजा स्वीकार करो। तो इस तरीके से पहले लौंग को इसको अच्छे से वो करके अग्नि में ही माता रानी का ये भोग हम स्वीकार कर देंगे, अग्नि में ही इसको कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो ये दोस्तों मैया का हमने भोग बनाया है, और माता रानी का भोग चना, हलवा और पूड़ी, और अगर आप खीर बनाना चाहते हो तो खीर भी बना सकते हो। और ये मैंने जल का, आप लोटा ग्लास जैसे भी हो, तो ये मेरा मंदिर का है, मैंने उसी हिसाब से लिया है। तो ये दोस्तों मैया का भोग होता है, जो भी ऋतु फल हो आप वो भी माता रानी को समर्पित कर सकते हो। और बाद में दोस्तों इसी भोग को हम अपने परिवार वालों को, या फिर जो हमारे यहाँ कन्या पूजन होगी, कन्या आएंगी, तो उनको हम लोग दे सकते हैं, या फिर आप अपने घर में भी इसको जैसे आपकी इच्छा हो, मतलब उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये मैया का भोग हम अब अग्नि में थोड़ा सा वो करेंगे, प्रज्वलित भोग चढ़ाएंगे, जो कि मैया अपना स्वीकार करेंगी। और बहुत ही सरल विधि से मैं आप लोगों को अष्टमी पूजा और नवमी पूजा की विधि बता रही हूँ, तो आप लोग इसी सरल तरीके से कर सकते हैं। और आगे आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि जो भी हमारा मंदिर का सामान है उसको कैसे क्या करते हैं, तो चौकी का उठाना जो भी होता है वो मैं आप लोगों को, आगे की वीडियो मेरी देखना, मैं उसमें ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और अब आरती कर लेते हैं माता रानी की। तो अगर आप ये वाला दिया रखते हो तो इससे नहीं, अखंड ज्योत का रखते हो तो आप अब कपूर से भी आरती कर सकते हो। तो मैं अखंड दिया नहीं रखती हूँ दोस्तों, तो मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। और उसके बाद में हम अपना ये जल जो है हमारा, इससे सारी चीज़ों से हम वार देंगे अपने माता रानी के मंदिर में, और माता रानी के सामने हाथ जोड़ेंगे कि जो भी क्षमा याचना है अपना वो करेंगे, कि मैया जो भी गलती हो उसे क्षमा करो और अपने बच्चों को अपना आशीर्वाद दो। तो इस हिसाब से, और दोस्तों जो हमारा नारियल रखा है उसे हम
या तो पानी में प्रवाहित कर दो, जैसे जिसकी मतलब जैसे होती है परंपराएं उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे इसको तोड़ के और कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। तो आप लोग के यहाँ पे जैसे होता है आप लोग उस तरीके से करिए। हमारे यहाँ पे कन्याओं में ही ये फल वगैरह जो भी है वो हम बच्चों को, कन्या जो हमारे आएंगी उनको हम देंगे। तो अभी बस उसी की तैयारी होगी और अग्नि में मैंने थोड़ा सा कपूर और डाल के मैया का भोग फिर दोबारा से उसमें मतलब कपूर डाल के अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। तो इस हिसाब से कुछ मैंने अपने बिल्कुल सरल विधि से आप लोगों के साथ में शेयर की है कि अष्टमी और नवमी पूजा कैसे करते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, कमेंट करना और दोस्तों जितना हो सकता है उतने मेरी वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे और नई वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ में मिलती हूँ मैं कल फिर नई एक वीडियो के साथ में। तो जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।